सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स से, हुंड्स रूल। ओके, ऑर्डर ऑफ टर्म्स, हुंड्स रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली आ चुके हैं और इन फ्यूचर आने की संभावना है। हम लोग इसको पढ़ते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू ब्रीफली, आप आसानी से इसको समझ जाओगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल हम लोग शुरू करते हैं। तो 2s प्लस 1 एल जे, ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल होता है जो हेड पे है। ये मल्टीप्लिसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे हम लोग हेड से 2s प्लस 1 जो है मल्टीप्लिसिटी। तो पहला रूल जो है वो क्या है, टर्म विथ लार्जेस्ट मल्टीप्लिसिटी विल लाई लोएस्ट, मल्टीप्लिसिटी विल लाई और लाइज लोएस्ट। अभी क्या हो सकता है कि बहुत सारा टर्म्स है, मान लो, ठीक है, बहुत सारा टर्म है और उसका मल्टीप्लिसिटी सबका सेम है, तब क्या करोगे, हेड से आप बॉडी पे आओगे, एल पे आओगे। ऑफ टर्म्स विथ ए गिवन मल्टीप्लिसिटी, दैट विद द लार्जेस्ट एल वैल्यू विल लाई लोएस्ट। ठीक है, मतलब वो आपका ग्राउंड स्टेट होगा। अब ऐसा हो सकता है कि एल भी सेम हो, टू एस प्लस वन भी सेम हो, मल्टीप्लिसिटी भी सेम, एल भी सेम, तब जे डिसाइड करेगा। अब जे के केस में दो तरीके का केस हो सकता है। जे के लिए रूल्स में थोड़ा सा चेंज है। इट विल डिपेंड कि जो सेल है आपका वो हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है। या मोर देन हाफ फील्ड है। तीनों केस में डिफरेंट सिनेरियोज हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स से पहला वाला जो हम लोग केस ले रहे हैं लेस देन हाफ फील्ड का, अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो आपका जो यहाँ पे होता है वो होता है नॉर्मल ऑर्डर। मतलब अगर टर्म्स जो दिया गया है उसका मल्टीप्लिसिटी एल वैल्यू सब कुछ सेम है, जे वैल्यू डिफरेंट है और जो सेल है, सब सेल है, वो लेस देन हाफ फील्ड है, तब नॉर्मल ऑर्डरिंग होगा। नॉर्मल ऑर्डर मतलब द लेवल विथ लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट। देखो लोएस्ट, दिस इज नॉर्मल ऑर्डर। मोर देन हाफ फील्ड केस में जो होता है वो होता है इन्वर्टेड ऑर्डर। इन्वर्टेड ऑर्डर मतलब लेवल विथ हाइस्ट जे विल लाई लोएस्ट, मतलब हाइस्ट जे जिसका होगा वो ग्राउंड स्टेट होगा। लेवल विथ हाइस्ट जे विल लाई लोएस्ट। ठीक है, और जो हाफ फील्ड होगा उससे सब स्टेबल टर्म निकलते हैं जो कि होता है इस टर्म्स। ठीक है, तो दिस इज इन ब्रीफ द रूल्स गिवन बाय हुंड। तो अभी कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं इसको। जैसे हम लोग तीन एग्जांपल लेते हैं, एक है कार्बन सिक्स का। कार्बन सिक्स आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, तो ये आपका लेस देन हाफ फिल है, p सबसेल, लास्ट ऑर्बिट में 2 है, 1 2, सो दिस इज योर लेस देन हाफ फिल्ड। ठीक है, अब देखो ये सब सेल्स में है, इसका मतलब इसका एल वैल्यू सेम होगा। दूसरा केस हम लोग लेंगे 8 ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4, तो ये आपका पी जो ऑर्बिटल है 1 2 3 4, दिस इज मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड। इसके बाद तीसरा केस जो लेंगे 7 नाइट्रोजन का,
वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री, ये आपका हाफ फिल्ड है। देखो दिस इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। अभी इसको सिक्स, सी सिक्स में जो टर्म्स आते हैं वो आता है आपका वन एस जीरो, वन डी टू, थ्री पी जीरो, थ्री पी वन एंड थ्री पी टू। ठीक है, तो अब में से हम लोग एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, मल्टीप्लिसिटी है, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी थ्री है, बट तीन टर्म्स में थ्री है, तो फिर हम लोग एल वैल्यू पे देखेंगे, पी पी पी, तो मतलब एल वैल्यू भी सेम है, तो हम लोग जे वैल्यू की तरफ जाएंगे। यहाँ पे लेस देन हाफ फिल है, मतलब नॉर्मल ऑर्डरिंग, लोएस्ट जे विल लाई लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट है थ्री पी जीरो। ठीक है, थ्री पी जीरो, उसके नेक्स्ट वाला जो आएगा वो थ्री पी वन होगा, जे बढ़ता जाएगा थ्री पी टू होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फिर से वन वन मल्टीप्लिसिटी सेम है, एस और डी, एल किसका ज़्यादा है, एल डी का ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा वन डी टू, फिर आएगा वन एस जीरो। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो टर्म्स मिलते हैं वो है वन एस जीरो, वन डी टू, थ्री पी जीरो, थ्री पी वन, थ्री पी टू, ये सब टर्म्स मिलता है। तो पहला कौन सा आएगा, दिस इज मोर देन हाफ फिल्ड, मतलब तीन का मल्टीप्लिसिटी सेम है, एल वैल्यू सेम है, सबसे लोएस्ट जे, अरे हाईएस्ट जे विल लाई लोएस्ट, तो थ्री पी टू सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका थ्री पी वन, फिर आएगा थ्री पी जीरो, फिर आएगा देखो वन डी टू आएगा, एल वैल्यू मोर और वन एस जीरो, जे वैल्यू वाला पंगा बस आएगा उस केस में जब आपका मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, तभी आपको सोचना पड़ेगा जब जे वाला चीज हैंडल करो, एल वाले केस में कुछ है नहीं। सेवन एन, इसके केस में जो टर्म आता है वो टू पी, टू डी, ये सब का आता है, फोर एस, तो इसमें सब स्टेबल टर्म आता है, तो फोर एस मल्टीप्लिसिटी इज द किंग, सबसे ज़्यादा फोर एस है, फिर टू डी, फिर टू पी, तो ऐसे करके आप हुंड्स रूल का यूज़ करके चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं टर्म्स को। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और गाइज, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो अन अकेडमी का ये वाला सब्सक्रिप्शन प्लान अभी चल रहा है, यू कैन सेव अप टू 30%, 35% इज वैलिड टिल 30th April। इफ़ यू टारगेट, इफ़ यू टारगेटिंग फॉर सी एस आर रजिस्ट्रेशन एट 2024, यू कैन गो फॉर दिस 13,172 फॉर 12 months, एंड इफ़ यू टारगेटिंग फॉर दिस सी एस आर नेट 2023 December, सी एस आर रजिस्ट्रेशन एट 2023 फॉर 6 months, यू कैन गेट इट एट 9333। यू कैन यूटिलाइज दिस रेफरल कोड फिजिक्स अप फॉर गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स, पी एच वाई एस आई सी एक्स एच यू बी। जल्दी कीजिए, और कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हरी कोड डिस्काउंट टू बी ओनली 5% फ्रॉम 1st of May, सो लास्ट डे 30th of April। यू कैन गाइज वॉच माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी प्लस, यू कैन यूटिलाइज द रेफरल कोड फिजिक्स अप, यू विल गेट ऑल द 9 units ऑफ सी एस एन एट फिजिकल साइंस इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। And lot of benefits are there of taking an Academy Plus subscription. You can pause and read these benefits. So this is all for this video, guys. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye. Take care.